गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, UPRD प्रयागराज से। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पेपर कोड BED SE01, ब्लॉक 1 और यूनिट 2। अब इससे पहले कि हम इसका अध्ययन करें, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जानें, इससे पहले हम ये जानेंगे कि हमने पिछले इकाई में क्या क्या अध्ययन किया ताकि हम उसके आगे उसके क्रम में आगे बढ़ सकें। तो पिछले इकाई में हमने जो अध्ययन किया था वो था वृद्धि के विकास की अवधारणा व सिद्धांतों पर चर्चा की थी। चर्चा से हमें इस तथ्य का ज्ञान हुआ था कि विकास एकदम से नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। विकास की अवस्थाएँ होती हैं जो हम और ये विकास चरणों में होता है जिसकी चर्चा हम आज हम करेंगे। और लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है जो हम अध्ययन करें, हमें उसका पता होना चाहिए कि हम वो अध्ययन क्यों कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसे पढ़ने के, तब हमें उसे पढ़ने में आसानी होगी। अब इसके अध्ययन के सात उद्देश्य हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है मानव विकास की अवस्थाओं पर विद्वानों के वर्गीकरण को जान सकेंगे, हम अलग अलग वर्ग जो वर्गीकरण किए गए हैं उसे जान सकेंगे। नंबर 2, शैशवावस्था में शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक व सामाजिक विकास प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नंबर 3, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताओं को पहचान सकेंगे। नंबर 4, बाल्यावस्था में शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक व सामाजिक विकास के चिन्हों को लिख सकेंगे। नंबर 5, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं का बोध कर सकेंगे। नंबर 6, किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक व सामाजिक विकास के मानदंडों का ज्ञान कर सकेंगे। और सबसे लास्ट में है किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं को प्रस्तुत कर सकेंगे इसके पढ़ने के बाद। मानव विकास के कुछ चरण हैं जिन्हें माइलस्टोन भी कहते हैं। माइलस्टोन से आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम कहीं जाते हैं रास्ते में हमें हमेशा पत्थर पे लिखा मिलता है कि हम इस जगह जाएंगे, तो यहाँ से जाने में हमें इतना इतना रास्ता है, इतनी दूर चलना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें इंगित होती हैं। उन्हीं रास्ते से चल के हम सही रास्ते पर पहुंच पाते हैं। इसी तरह से हमें ये माइलस्टोन बताते हैं कि हमारा जो वृद्धि है, वो विकास है, वो सही चल रहा है, सही पथ पर है या नहीं है। और अगर हम अगर बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कंपेरेटिवली। क्यों? क्योंकि हम अगर हमारा विकास अच्छा नहीं हो रहा तो हम स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं, फिर हम उसे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड का जो एजुकेशन है वो उसके अकॉर्डिंग दी जाती है ताकि वो बच्चे सही से उनका विकास हो पाए। अब जैसे कि इसमें जानते हैं मानव जीवों के लिए जीवन माँ के गर्भ से शुरू होता है, जो एक अंडे के रूप में स्टार्ट होता है, और वो जन्म से पहले जन्म के बाद भी केवल तक बच्चा पूरी तरह से माँ पर डिपेंडेंट रहता है। अब शिशु के जो वर्गीकरण होते हैं, पहले वो शिशु होता है, फिर बच्चा होता है, फिर किशोर होता है, फिर वो वयस्क हो जाता है। इस तरह से उसकी जो वृद्धि और विकास की जो जो स्टेप्स हैं वो इन्हें 4 वर्गों में हम वर्गित कर सकते हैं, जिनसे बच्चा जन्म से मृत्यु तक गुजरता रहता है। इसी में जो चरण होते हैं, इसमें बच्चे के शरीर में या व्यवहार में कुछ मात्रात्मक, कुछ गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं, और ये बताते हैं कि व्यक्ति की किस उम्र में, किस निश्चित अवस्था में वो किस तरह का व्यवहार कर पाएगा। अब इन्हीं माइलस्टोन को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कुछ अलग अलग वर्गीकृत किया है। हमने जो वर्गीकरण सिलेक्ट किया है या जिसे हम अध्ययन करेंगे वो इस प्रकार है। सबसे पहले है गर्भावस्था। गर्भावस्था जो है गर्भधान से जन्म तक आती है। सामान्य रूप से जन्म पूर्व की अवधि को 9 महीने तक की होती है। जन्म से पूर्व विकास न केवल गर्भ तीव्र गति से होता है बल्कि व्यवस्थित व पूर्वानुमान के अनुसार होता है। वैसे तो विकास हमेशा ही पूर्वानुमान होता है और होना भी चाहिए,
लेकिन कुछ जैसे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए यहाँ पे नहीं पूर्वानुमान लगा पाते हैं। इसमें गिफ्टेड चाइल्ड है, उनका आईक्यू बहुत लेवल बहुत हाई होता है। नॉर्मली नहीं, जिन जितना लोगों का होता है, एवरेज बच्चों का अलग होता है, लेकिन उनका बहुत हाई होता है। इसी तरह से जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, या फिर लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनका डिफरेंट होता है। अब इसके हम गर्भावस्था में हम तीन पार्ट में उसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बीजावस्था जो होती है गर्भाधान से दो दो वीक तक। फिर उसके बाद आती है भ्रूणावस्था जो 2 वीक से आती है दूसरे मास के अंत तक। और तीसरे जो सबसे लास्ट होती है होते हैं गर्भ शिशु की अवस्था दूसरे महीने के अंत से जन्म तक। ये हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसका इसका अलग अपना अपना रोल होता है। अब गर्भवती शिशु के विकास पर निम्न तत्व प्रभाव डालते हैं, वो इस प्रकार है। माँ का स्वास्थ्य कैसा है? अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा है तो विकास भी अच्छा होगा। माँ का भोजन अच्छा है तो भी विकास अच्छा होगा। माँ, और सबसे इम्पोर्टेंट कि माँ कोई द्रव्य का और तंबाकू का सेवन तो नहीं कर रही है, क्योंकि उससे तो उसका खान पान प्रभावित होगा और उसका माँ का स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चे का भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा उससे। जन्म के समय माता पिता की आयु कितनी है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर एज से कम है तो भी डिसेबिलिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और पर्टिकुलर एज से ज़्यादा है तो भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। माँ का संवेगात्मक व्यवहार कैसा है? बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मेंटल इलनेस तो नहीं है, उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। गर्भवती शिशु का घरेलू व सामाजिक परिवेश कैसा है, मतलब वो इकोनॉमिकली पुअर तो नहीं है, उनके फैमिली का आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहता है। इस तरह की चीज़ें अगर फैमिली में होती रहती हैं तो बच्चे का इस पर बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं शैशवावस्था जो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था का जो काल होता है वो 12 से 18 वर्ष। युवावस्था 18 से 25 वर्ष। वयस्कता 25 से 55 वर्ष तक। और जो वृद्धावस्था होती है ये आती है मृत्यु तक। लेकिन हमने इसमें सारे जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हम सिर्फ किशोरावस्था तक ही इसका अध्ययन करेंगे। हमारे जो इसमें सिलेबस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शैशवावस्था के चरण क्या हैं, उनकी क्या क्या स्पेशलिटी हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं, वो इस प्रकार है। शैशवावस्था के चरण 5 वर्ष तक शैशवावस्था के चरण होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है निर्भरता। बच्चा पूरी तरह से निर्भर होता है अपने माँ बाप पर। इस अवस्था में बच्चा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, संतुष्टि पर पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड करता है, चाहे वो माता पिता, स्पेशली सबसे पहले तो माता पिता पर ही डिपेंडेंट करता है। फिर अपने सिबलिंग्स पे, सोसाइटी पे, सब लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन इसी एज के लास्ट में आते रहते वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। तीव्र वृद्धि व विकास, इस एज में बच्चे का तीव्र वृद्धि विकास का काल है। इस अवस्था में आंतरिक और बाह्य बल बहुत तेजी से अंगों का विकास होता है। फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स का विकास होने लगता है। जैसे कि बच्चा ग्रोस मोटर में बच्चा कूदना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, चलना शुरू कर देता है। और जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं उसमें बच्चा मसल्स से रिलेटेड जो पेंसिल चलाना, आर्ट्स करना, इस तरह की काम करने लगता है। उसमें थोड़ा सा शार्पनेस आने लगती है। इसमें बच्चे का जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। उसके ऊंचाई, वजन और आकार में तेजी से विकास होता है। उसके आंतरिक और बाह्य अंगों में बहुत तेजी से विकास होता है। ये जो काल होता है वो दिखावटी और कल्पना का काल होता है। फिर इसमें आत्मपुष्टि की बहुत जरूरत होती है। बच्चा ये बात सबसे ये कोशिश करता है सबको मनवाने की कि वो जो कर रहा है चाहे वो गलत भी है, तभी वो सबसे मनवाने की कोशिश करता है कि नहीं वो ही सही है, जो उसने किया वो सब सही है। और वो हर तरह से अपनी बात को ऊपर रखता है। उसमें भावनाओं की तीव्रता होती है और बहुत ज्यादा अस्थिर होता है, एक बात पे कभी नहीं टिकता है, इमोशनली एकदम अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा ही ओवर एक्सप्रेसिव होता है, हर बात को
जितना एक्सप्रेस करना चाहिए उससे कहीं वो ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, और एनर्जेटिक, क्योंकि उसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो एक बात पे, एक जगह ना तो रुक पाता है ना एक बात पे टिक पाता है। इस एज में जो बच्चा होता है वो बहुत स्वार्थी होता है, स्वार्थ उस पर इतनी इतनी ज़्यादा हावी होता है कि बच्चा समझ नहीं पाता है कि और बच्चे की ज़रूरतें भी हैं और भी हैं। उसे अब माँ बाप का प्यार भी अपने लिए चाहिए, अब वो अपने अपने खिलौने किसी के साथ शेयर नहीं करता है, किसी का प्यार शेयर नहीं कर सकता है। और अगर उसे लगा कि इसके मम्मी पापा किसी और को प्यार करते हैं या किसी और को अगर गोद में भी ले रहे हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। ये चीज़ उस हर एक चीज़ उसके लिए बनी है, उसे ऐसा लगता है। अब इसमें इस क्रम में देखा जाए इन बच्चों का भाषा का विकास कैसा होता है। इस एज में बच्चों का निश्चित क्रम तक भाषा का विकास होता है। इस एज में बच्चे 500 से ज़्यादा वर्ड्स बोलना सीख जाते हैं और एक दो वाक्यों को लिखना और बोलना शुरू कर देते हैं। फिर आता है इन बच्चों का मानसिक विकास के लक्षण। इन बच्चों में समय की अवधारणा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कल आज और कल जैसे महीना इस तरह की अवधारणा वो बना नहीं पाते हैं। इनमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें पियाजे ने नन्ना वैज्ञानिक बोला है। इन्हें क्वेश्चन पूछने में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन वो उसके क्वेश्चन पूछने के लिए वो बहुत पेशेंस नहीं होता है कि वो उसके लिए वेट कर पाए। उसके लिए वो दोबारा से नया क्वेश्चन बना लेते हैं इतनी देर में। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि वो मेंटली अनस्टेबल होते हैं, तो इतनी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती कि उन्होंने कुछ बोला है तो पेशेंस नहीं होता है कि वो इतना रुक पाए। हर एक चीज़ जानना चाहते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे है, नई नई चीज़ जो भी हो रहा है, चांद के बारे में जानना चाहते हैं कितना दूर है, या फिर ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, हर एक चीज़। सृजनात्मकता, इस एज में क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि पियाजे ने बोला है बहुत ज़्यादा बच्चे जाना चाहते हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी की नई टेंडेंसी बहुत हाई होती है, क्यूरियस होते हैं, नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, नए नए आइडियाज़ लाते हैं, ये सारे जो थॉट्स एक वैज्ञानिक के अंदर होते हैं, इसीलिए पियाजे ने उन्हें नन्हा वैज्ञानिक कहा है। क्योंकि इस एज में जो भी आइडियाज होते हैं वो उतने आइडियाज बाद में कभी इतना डेवलप नहीं हो पाते, ना इतने क्वेश्चन, ना कितनी क्यूरियोसिटी। इसीलिए अगर इस एज में सही उन्हें डायरेक्शन दिया जाए तो वो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। बौद्धिक रूप से लेकिन वो विकसित नहीं होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है कॉन्क्रीट लेवल पे होती है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे नहीं होती है। जो चीज़ उनके सामने है उसी के अकॉर्डिंग वो समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, और उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है। रोट लर्निंग उनमें इतना ज़्यादा होती है, रटने की याददाश्त बहुत ज़्यादा होती है, रट कर ही वो हर चीज़ याद कर पाते हैं और उसे कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं बिना भूले। इस एज में यौन विकास, ये विकास तीन स्टेजेस में आते हैं, जो है सबसे पहले सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो खुद से प्यार करते हैं, खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए कुछ नहीं होता, खुद से प्यार। फिर उसके बाद उनका आता है अपने विषम लैंगिक, मतलब उन्हें जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने पिता से बहुत प्यार करती हैं, उनसे ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, और पिता अपने बेटी से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। इसी तरह से माँ अपने बेटा अपने माँ के लिए ज़्यादा ज़्यादा इमोशनल होता है, उनसे ज़्यादा अटैच्ड होता है। अब शैशवावस्था की कुछ अवस्थाएं विशेषता हैं। शारीरिक विकास की बहुत तीव्र गति से होता है, जैसे मैंने आपको बताया तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। जितना विकास इस गति इस एज में होता है उतना बाद में कभी हो नहीं पाता है। अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, जैसा बड़े देख बोलते हैं, जैसा करते हैं वैसा ही वो उसे दोहराना शुरू कर देते हैं। भाषा का विकास तीव्र गति से होता है, जिज्ञासा का विकास बहुत ज़्यादा होता है इस एज में, कल्पना शक्ति की बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है, खेल में रुचि बढ़ जाती है, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, संवेगों में दृढ़ता आने लगती है, समाजीकरण भी
इस एज के लास्ट तक स्टार्ट होने लगता है, फ्रेंडशिप करने लगते हैं, चाहे रो कर करना हो चाहे कैसे भी करना हो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे भी लोगों से करवाने लगते हैं कि करवाते हैं स्टार्टिंग से ही। लेकिन ये है कि इन्हें धीरे धीरे तरीका भी ढूंढ लेते हैं कि कैसे दूसरों से अपनी बातें मनवाई जाएं, ये तरीका इन्हें आ जाता है। आत्म प्रेम बहुत ज्यादा होता है, और इस एज में अगर शिक्षा की बात की जाए तो 4 वर्षों में पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। इस एज में भाषा का मतलब भाषा के द्वारा लर्निंग बाय डूइंग अगर की जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। 1 वर्ष में भाषा लिखना पढ़ना और अंकों का ज्ञान जोड़ घटाना, कला व संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए, ना कि उन्हें एक बड़े बैग के नीचे दबा देना चाहिए। आजकल ये पाठ्यक्रम चल रहा है जिस तरह की, वो नहीं होना चाहिए। बचपन की अवस्था, बचपन की बात करते हैं, शैशव अवस्था के बाद आती है बचपन की। तो ये जो एज होती है वो होती है 5 से 12 वर्ष तक। इसमें भावनाओं की जटिलताओं का निर्माण, ये सबके सामने ही अपनी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर देते हैं, किसी के सामने डरते नहीं है, शर्माते नहीं है, जो बोलना होता है वो मन में आता है बोल देते हैं। क्योंकि एक एज के बाद तो ऐसा होता है कि सोचना पड़ता है, कि फिल्टर करते हैं अपनी बातों को कि कौन सी बात की नहीं। लेकिन इस एज में ये चीज़ बच्चे के अंदर रहती नहीं है, ये एक एज के बाद आती है। और अगर ये बच्चे अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करते भी हैं, ऐसा कुछ होता भी है, तो बाद में जाके इन्हें डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं बच्चे। अगर इसलिए इस एज में इन बच्चों की बातों को, इनके इंटरेस्ट को दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ताकि बच्चे आगे अपने भविष्य में अच्छा कर सकें। क्योंकि जो नींव इस एज में रखी जाती है वही आगे बढ़ के अच्छा काम कर पाते हैं, फिर अपना और देश का नाम रोशन कर पाते हैं। इस एज में जो विकास होता है वो धीमा हो, लेकिन जिसे कहते हैं स्लोली एंड स्टेडी, बहुत धीमा होता है लेकिन स्थिर होता है। इस एज में अपोजिट जेंडर के प्रति वो एक नफरत का भाव होता है, मतलब वह बिल्कुल पसंद नहीं करते एक दूसरे को। जैसे कि लड़का लड़की, लड़के के साथ ही खेलता है और लड़की लड़की के साथ ही खेलती है। लड़का कभी लड़की के साथ नहीं, लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करता है, और ना लड़कियां लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं। तो इस एज में जो यौन विकास होता है वो एक सुप्त अवस्था में होता है। इस एज में जो भाषा का विकास रहता है वो है 5,000 से 8,000 वर्ष वर्ड्स तक कर देते हैं बच्चे सीख पाते हैं, 8,000 वर्ड्स तक, और लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग करने लगते हैं। इन बच्चों का भी अपनी भावनाओं पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता है। इस एज में फाइन मोटर्स और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ग्रोस मोटर की डेफिनेशन मैंने पहले ही बताई थी, लार्ज मसल्स मूवमेंट, जैसे बैठना, उठना, वॉक करना, कूदना। फाइन मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो स्मॉल मसल्स का यूज़ करना, कुछ चीज़ उठाना, पकड़ना, बटन लगाना, ड्राइंग करना, गेम खेलना, ये सब इसमें आते हैं। इस एज में बच्चे सीख जाते हैं कि कब कौन सी बात किसके सामने बोली जानी चाहिए, कब बोलनी चाहिए, कब नहीं बोलनी चाहिए, और किसके सामने बोलनी चाहिए, किसके सामने नहीं बोली जानी चाहिए। इसलिए बच्चे इस एज में इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं और फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। इसी या ये कह सकते हैं कि एज में बच्चे कंपेरेटिवली मैच्योर हो जाते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण, इस एज में बच्चे का जो दृष्टिकोण होता है वो यथार्थवादी होता है। बच्चे इमेजिनेशन से बाहर निकल आते हैं और जैसी रियलिटी है, जैसा रियल लाइफ है, उसे एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। बचपन में, इससे पहले जो शैशवावस्था में बच्चे परियों की दुनिया में, परियों की बातें, परियों की सारी इमेजिनेशन की चीजें, वंडरलैंड, ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन इस एज में बच्चे रियल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। स्वतंत्र ही, इस एज में बच्चों का जो अपने एक पर्सनैलिटी के लिए अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, पेरेंट्स से और फैमिली से अलग आप एक अपनी इंडिपेंडेंस व्यक्तित्व खोजने लगते हैं,
अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना, बाहर आना जाना, पूरी डिपेंडेंसी पहले से बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। इस एज में बच्चों के सामाजिक प्रवृत्ति का विकास भी हो जाता है, जिस तरह से जैसे बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, खुद खुद के बारे में सोचना, हर एक चीज़ उसके लिए है, किसी से शेयर नहीं करता, लेकिन इस एज में बच्चा बहुत शेयरिंग होता है, और शेयरिंग इज केयरिंग वाली बात पे, मतलब शेयरिंग ही केयरिंग है, कि शेयर करना शुरू कर देता है, शेयरिंग इज केयरिंग पर बिलीव करता है। शेयरिंग की जो फीलिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, और उसे लगने लगता है कि अगर मैं अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर करूँगा, फ्रेंड्स तो मेरे फ्रेंड्स बनेंगे, मैं सोसाइटी में एक सर्कल होगा, ये चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। ये इस एज को एज ऑफ ग्रुपिंग कहा जाता है, एज ऑफ या फिर गैंग एज कहा जाता है। इसमें बच्चा फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता है, उनकी ये साबित करने के लिए कि वो कितना लॉयल है उनके साथ, वो अपने पेरेंट्स से और टीचर्स से लड़ाई भी कर लेता है। अब बात करें अगर हम उनकी रुचि और योग्यताओं की, तो इस एज में बच्चे नई नई योग्यता डेवलप करते हैं, पर आम पर घूमना फिरना, लोगों के साथ एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, टीवी देखना, बाहर की चीज़ों से अट्रैक्ट होने लगते हैं, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बड़ा होने लगता है, एक्सपेंड होने लगता है, और जेंडर वाइज उनकी जो चॉइस होती है वो डिफरेंट हो जाती है अकॉर्डिंग। लेकिन ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इसमें भी जरूरी नहीं है कि हम एक इंसान की जो चॉइस है वो दूसरे इंसान की भी चॉइस वही हो, हर एक इंसान की हम जैसे साइकोलॉजी में पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब जगह होते हैं, कोई भी इंसान, हर इंसान की आइडेंटिटी यूनिक होती है, कोई भी पूरी तरह से किसी के और की तरह नहीं बन सकता, ना उसकी सोच एक तरह हो सकती है। लेकिन फिर भी हम माइलस्टोन की बात करें तो ये चीज़ें यहाँ पे सही बैठती हैं। अब बौद्धिक विकास, इन्फेंट एज में बच्चे का जो बौद्धिक विकास है बहुत तेज़ी से होता है, और फिजिकल डेवलपमेंट उसकी तरह नहीं, लेकिन इसमें भी बच्चे का जो विकास होता है बहुत स्लोली स्टडी, जैसे कि सारे विकास होता है ऐसे ये भी होता है, लेकिन स्टडी मतलब मजबूत लेवल पे होता है, शैशवावस्था में वो इतना मजबूत लेवल पे नहीं होता है, उसमें इसमें वो अनुभव जोड़ने लगता है, अनुभव से वो उसका जो विकास है वो मजबूत हो जाता है। अगर हम बात करें कि बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले आएगा कि स्थायित्व, जैसे हमने बताया कि स्थायित्व होता है, मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है, संचय की प्रवृत्ति होती है, जोड़ना रचनात्मक शक्ति का विकास हो जाता है, आत्मनिर्भरता आती है, और जिज्ञासा पहले से ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं प्रबल, क्योंकि जैसे एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट का लेवल जो एक्सपेंड होने लगता है पढ़ता है, तो जिज्ञासा का भी और जुड़ जाती है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोगों से मिलते हैं, संवेगों को दिखाते हैं, सामाजिकता की भावना बढ़ती है इन लोगों में, लोगों से मिलना, फ्रेंडशिप करना, अपना ग्रुप बनाना, नैतिकता क्या होती है वो आने लगती है, लेकिन ये समलिंगीय लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं, नए ज्ञान के प्रति रुचि लेते हैं। अब इनकी शिक्षा की बात की जाए तो उनका शिक्षा का आयोजन, इनकी स्पेशलिटी, इनकी जो उनके इनकी विशेषता है उनको ध्यान में रख के करना चाहिए, कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, उन्हें शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उचित क्रियाकलापों की और व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि सामूहिक गतिविधियाँ, खेल, दैनिक सभा, प्रार्थना, उद्देश्यपूर्ण कहानियाँ, पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ आदि, इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं एडोलसन पे। एडोलसन अंग्रेजी में किशोरावस्था को एडोलसन कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता वृद्धि की सीमा मानी जाती है, मतलब जो इस लेवल तक ही हम एक
परिपक्व हो जाते हैं, उसके बाद जो आता है वो एक्सपीरियंस से बनता है। बाल्यावस्था की इस एज को बाल्यावस्था और युवावस्था का संधि काल कहा जाता है, ब्रिज गो इनटू एडल्टहुड। मतलब बाल्यावस्था से युवावस्था तक जाने का एक ब्रिज। ये जो एज होती है वो होती है 12 से 18 साल तक। इस एज में बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो इन्फेंट एज की तरह होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट और उसका मेंटल डेवलपमेंट उसी तरह से होता है जिस तरह से एक इन्फेंसी में होता है। इस एज में बच्चा चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है, नए नए फ्रेंड्स बनाता है। इस एज में बच्चे का फ्यूचर पूरी तरह से फ्यूचर डिसाइड हो जाता है कि बच्चे को क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। इस एज में बच्चे को एजुकेशन पे पूरा फोकस करना चाहिए। बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं लेकिन मासूम होते हैं, उन्हें जो ज़्यादा डायरेक्शन दी जाए वही डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर आतंकवादी भी इसी एज में मिलेंगे, और अगर इन्हें सही डायरेक्शन दी जाए तो वो एनर्जी जो बहुत इस एज में एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है, तो इसलिए इस एज में बच्चों को सही डेवलपमेंट जिससे उनका फ्यूचर और करियर अच्छा बनाया जा सके, मजबूत बनाया जा सके, उन्हें एनर्जी का सही इस्तेमाल करके उन्हें सही डायरेक्शन दिया जाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें एजुकेशन दी जानी चाहिए। इस एज में शारीरिक विकास, अब इस एज में जो गर्ल्स और बॉयज के स्पेसिफिक क्वालिटीज दिखने लगती हैं, लाइक गर्ल्स की आवाज़ में मधुरता होती है, बॉयज़ की आवाज़ में भारीपन होता है, और साथ ही जो बॉयज़ होते हैं उनकी मूछ में दाढ़ी आने लगती है, प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं। ज़्यादातर 11 से 14 साल की लड़कियों की हाइट और वेट होती कंपेरेटिवली लड़कों से ज़्यादा होता है, लेकिन जो 16 साल के बाद लड़कों का ज़्यादा होता है, वो हम लाइफ टाइम चलता रहता है। फिर किशोरावस्था में भावनात्मक अवस्था, इसमें अवस्था में विकास कैसा होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे इस एज में बच्चों को आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, क्योंकि कुछ काम के लिए उन्हें बोला जाता है अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए उस काम के लिए, लेकिन अगले ही पल कुछ कहा जाता है कि नहीं तुम तो इस काम के लिए बहुत छोटे हो, अभी ये काम करने के लिए तुम ये सही एज नहीं है तुम्हारी। अवेयरनेस नहीं होती है हर चीज़ के लिए, जैसे कि उनके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि क्यों होता है, इस वजह से वो चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा होता है, गुस्सा बढ़ता है। इस एज को प्रॉब्लमेटिक एज कहा जाता है, और इस एज में वैसे भी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, सोसाइटी से जुड़ने लगते हैं, उसमें एडजस्ट होने लगते हैं, अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट करने होने लगते हैं, इनसे इंटरेक्ट होने लगते हैं और उन्हें इम्प्रेस करने की भी बहुत बार कोशिश करते हैं, फ्रेंड्स से ज़्यादा मिलते हैं, उन्हें अपना एक अलग ग्रुप बनाते हैं ग्रुप, और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और उन्हें जितने ज़्यादा वो अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होते हैं उतने ज़्यादा तो वो अपने टीचर्स से भी इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते, ना अपने पेरेंट्स से, उनसे एक आप अपने अलग एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। अब इस एज में मानसिक विकास कैसा होता है, बच्चों का जो मानसिक विकास होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉन्क्रीट लेवल से जो बचपन में कॉन्क्रीट लेवल पे होता है वो अब एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हो जाता है। बच्चे इमेजिन करके भी कुछ बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो चीज़ें उनके सामने हो। भाषा का विकास इस एज पे पूर्णतः हो जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कितना अच्छा उन्हें वातावरण मिलेगा। जितना अच्छा उन्हें वातावरण मिलता है, जितना अच्छा उन्हें बुक्स मिलती है, लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाता है, जितने अच्छे स्कूल में उन्हें पढ़ाया जाता है उतना अच्छा उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। अब बच्चों की जो किशोरावस्था में मुख्य अवस्था होती है यौन विकास हो जाता है, मानसिक शक्ति और बुद्धियों का विकास होता है, इच्छाओं आकांक्षाओं व दिवस स्वप्न की बहुलता होती है, वो चीज़ें सोचने लगते हैं जो चीज़ें रियल में पॉसिबल भी नहीं होती हैं, रुचियों में ठहराव होता है, आत्मसम्मान व समूह में स्थिति के प्रति सचेत हो जाते हैं,
नकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है। जैसे पान मसाला धूम्रपान स्टार्ट कर सकते हैं अगर उन्हें सही डायरेक्शन नहीं दिया जाए, दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके स्वतंत्रता व आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ने लगती है, संवेगात्मक अस्थिरता आ जाती है, भविष्य की चिंता और उसके साथ ही साथ समूह का महत्व, समूह और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इस एज में जो फ्रेंडशिप होती है वो लाइफ टाइम चलती है। समाज सेवा की भावना आती है और अनैतिक और अनैतिक मतलब गलत क्या है सही क्या है इस एज के लास्ट तक वो समझ आने लगता है। अब इस एज में शिक्षा की बात की जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट एज है एजुकेशन के लिए। इसी एज में डिसाइड होता है कि बच्चे को क्या सिखाया जाए, उन्हें फिजिकल एजुकेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि इस एज में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बौद्धिक क्रियाओं का आयोजन भी किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में, ये मतलब स्पेशली इंक्लूडेड होना चाहिए। बच्चे को सामाजिक धार्मिक नैतिक व यौन शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें स्पेशली अवेयर कर किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और उसके क्या क्या कारण हैं और आगे मतलब किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं जिससे कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि इसी स्ट्रेस की वजह से बहुत बार क्या होता है कि बच्चे कोई भी गलत स्टेप ले सकते हैं या फिर या उसका असर ये होता है कि बच्चे स्पेशली एबल्ड हो जाते हैं, तो उनके फ्यूचर को अच्छा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को काउंसलिंग दी जानी चाहिए और उनका जो ऊर्जा है, उनकी जो एनर्जी है उसको सही दिशा प्रदान की जानी चाहिए। अब बच्चे की वृद्धि और विकास में स्कूल का जो रोल है वो इस प्रकार है, मतलब उसका रोल इस प्रकार है कि बच्चों को अच्छा, अगर बच्चे पुअर एक गरीब परिवार से आ रहे हैं तो उसे अच्छा मिड डे मील का वहीं पे आयोजन किया जाना चाहिए। मेडिकल चेकअप अक्सर होते ही रहना चाहिए कि बच्चा के बीमार तो नहीं है, अगर वो बीमार है या उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसका असर उसके एजुकेशन पे भी पड़ेगा। बच्चों को सोशल बनाने के लिए खेलों का संगठन करते रहना चाहिए हमेशा, जैसे अभी बताया शारीरिक गतिविधियों का संगठन होना चाहिए, इंडोर आउटडोर गेम्स होते रहने चाहिए, कुछ ना कुछ प्लेस होने चाहिए, गेम्स होने चाहिए जिससे कि बच्चे एक दूसरे के साथ घुले मिलें, बातचीत करें और सामाजिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और अगर कोई बच्चा बहुत बार होता है कि अपनी बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है तो उसके लिए एक काउंसलर को होना चाहिए जिसे बच्चे अपनी सारी बातें शेयर कर सकें और काउंसलर उन्हें बता सके कि क्या सही है, उन्हें अवेयर कर सके उनकी प्रॉब्लम से। स्पेशली अगर हम बात करें तो किशोरावस्था में काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इस पाठ में जो हमने पढ़ा वो था कि जन्म से 5 वर्ष तक शिशुवस्था होती है, उसके शारीरिक भावनात्मक सामाजिक मानसिक, इसके साथ ही बाल्यावस्था जो कि 5 से 12 वर्ष तक होती है उसके शारीरिक भावनात्मक सामाजिक और मानसिक, किशोरावस्था के जो कि 12 से 18 साल तक होती है उसके शारीरिक मानसिक सामाजिक और मानसिक विकास का अध्ययन किया हमने इस पाठ में। लेकिन इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया या फिर आपको कुछ समझना है तो आप मेरे को मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी में आके मेरे से फेस टू फेस क्वेरी कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।